पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद मुरादाबाद की मासिक बैठक पेंशन भवन कोषागार मुरादाबाद में हुई। मासिक बैठक में चंद्रप्रकाश हेम सिंह शिव कुमार शर्मा को उनके जन्मदिवस के अवसर पर फूलबाला पहनाकर स्वागत किया गया और शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, मयंक शर्मा, केपी सिंह सरल, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, ईशान शर्मा सभी के द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष मोहन मेहरोत्रा द्वारा समस्त कवियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन मेहरोत्रा द्वारा और संचालन धन सिंह धनेंद्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुंदर कविताओं का भी गायन किया गया, जिन्हें सुन सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। कविताओं का गायन इस कदर हुआ कि श्रोताओं की मांग पर समय को बढ़ाना पड़ा। ये रंग ना उतरे कभी होली खेले बिरज नंद लाल, ये रंग ना उतरे कभी मैं तो हो जाऊं लालम लाल, ये रंग ना उतरे कभी मैं तो हो जाऊं लालम लाल, ये रंग ना उतरे कभी। हमारी राजकीय सिविल पेंशनर परिषद साल भर में दो प्रोग्राम ऐसे करती है, होली के अवसर पर होली मिलन और कवि सम्मेलन कार्यक्रम, और ईद के अवसर पर ईद मिलन और मुशायरा का कार्यक्रम करती है। उसी क्रम में ये आज होली मिलन और कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कवि कवियत्री हैं जो है अच्छे कविता पाठ यहाँ कर रहे हैं। इसी के साथ हर माह हमारे जैसे जो सदस्य हैं उनका जन्मदिन पड़ता है तो उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, तो आज हमारे 5 सदस्यों का यहाँ जन्मदिन था इस महीने में, तो उनका आज जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, कवियों के नए कवि थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, पर उनका बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ, अभी ये हमारा दूसरा राउंड चल रहा है, इतना श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने कहा एक राउंड और चलेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।